वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। इस वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट। जी हाँ, यूज ऑफ मस्ट भी आपके बहुत आईएमपी मॉडल होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। मस्ट का प्रयोग आपका प्रेजेंट टाइम एवं फ्यूचर टाइम दोनों में किया जाता है। आपको बता दूं, मस्ट का प्रयोग कभी भी पास्ट के लिए नहीं करते, कोई पास्ट नहीं होता। आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी जो होते हैं ना, उसमें भी आपका जो मस्ट को अगर परिवर्तित करें उसमें हैड टू आ जाता है, मस्ट नहीं आता। मस्ट की जगह हम उसमें हैड टू का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूँ किस तरीके से करते हैं, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मस्ट का प्रयोग सिर्फ किसके लिए करते हैं, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए नहीं करते। अब इसमें आप कुछ अलग अलग टाइप से रूल से समझाता हूँ कि मस्ट का यूज़ किस किस तरीके से हमें करना चाहिए। पहला होता है, मस्ट का यूज़ हम कमांड के लिए करते हैं। कमांड हो, कंपल्शन हो या ऑर्डर। कंपल्शन या फिर जैसे निर्देश, दिशा या कोई आदेश पालन करने के लिए, जिसमें हम जो करना ही है उसमें मस्ट का यूज़ करते हैं, जो आपको करना ही है। जैसे सोल्जर मस्ट ओबे हिज ड्यूटी विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन। ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन। सभी गर्ल्स को फंक्शन अटेंड करना ही है। तो जहाँ पे हम ऑर्डर, निर्देश या कोई कमांड करते हैं तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट का यूज़ आपका मोरल ड्यूटीज़ के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, और मतलब आपका ओरल ऑब्लिगेशन क्या, जिसमें आपका जो चीज़ नैतिक मूल्य जो होते हैं उनमें आपको यूज़ करना पड़ता है। जैसे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो आपको आपके एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, आपको आपके एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। ऑब्लिगेशन आपका या फिर मोरल ड्यूटीज जो होती हैं, इसमें आपका मस्ट का यूज़, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स दे के बात करें तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट में आपका नेसेसरीटीज भी आते हैं। जैसे अगला काम देखिए, नेसेसरी सरकमस्टेंसेस, जहाँ पे दबाव हो, ज़रूरत हो, आवश्यकता हो। ज़रूरत, आवश्यकता, इनमें आपका मस्ट का यूज़ ज़रूर होता है। जैसे आई मस्ट लीव नाउ, आई मस्ट लीव नाउ, अदरवाइज आई में मिस दी ट्रेन। समझ में आया, आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अभी जाना होगा, अदरवाइज, नहीं तो आई मिस द ट्रेन, वरना मैं अपनी ट्रेन मिस कर दूंगा। तो इसमें आपका जहाँ दबाव हो, आवश्यकता हो, नीड हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। अब इसमें मस्ट नॉट का जो यूज़ होता है, मस्ट नॉट के हमें यहाँ पे, जहाँ पे कहते हैं ना कि भाई ये करना मना है, जहाँ पे रोक होती है या मुक्त दबाव मुक्त सलाह दी जाए, वहाँ पे मस्ट नॉट का यूज़ किया जाता है। जैसे स्टूडेंट मस्ट नॉट रिस्टोर द कॉपीज, स्टूडेंट मस्ट नॉट रिस्टोर टू कॉपीज। तो इसमें क्या होगा, आपका एक प्रोविडेशन है कि आपको स्टूडेंट्स को ये नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आना मना है, तो देयर इज, जैसे आप यहाँ पे आना सख्त मना है, इस तरह के मना करते हैं, उसमें मस्ट नॉट का यूज़ किया जाता है। अब आपका सपोज मस्ट का हम यूज़ वहाँ भी करते हैं जहाँ पे हम स्ट्रॉन्गली प्रोबेबिलिटी या कोई लाइकवुड शो करें, मतलब प्रोबेबिलिटी या लाइकवुड। जैसे हमें पता, मैंने कहा कि मैं जानता हूँ उसे, वो अभी वो पार्क में ही होगा, तो ये आपका लाइकवुड होता है। और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होनी है पॉसिबल, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, जैसे आज इंडिया मैच जीतेगा ही, तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होंगी उसमें भी आप किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि शी मस्ट बी 80 नाउ, सी मस्ट बी 80 नाउ, मतलब अभी वो, हाँ वो पक्के में 80 साल की होगी, सी मस्ट बी 80 नाउ। तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, मस्ट का यूज़ होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपका मस्ट से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर वो अफर्मेटिव में उसका आंसर होता है, मतलब पॉजिटिव आंसर होता है, तो आप उसमें मस्ट से ही करेंगे, उसका आंसर मस्ट से ही देंगे। लेकिन अगर उसमें क्या होता है, नेगेटिव में आंसर जाता है, तो आप उसमें मस्ट नॉट यूज़ नहीं करेंगे, उसमें आप नीडंट यूज़ करेंगे, नीडंट। जैसे मैं आपको एक आंसर है, मस्ट आई अटेंडिंग द मीटिंग, तो इसमें आंसर आता है यस यू मस्ट। तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो यस यू मस्ट। अगर सपोज करो वो मना कर दे कि नहीं भाई आपको नहीं अटेंड करना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो यू नीडंट। तो ध्यान से सुना आपने कि आपको मस्ट में, अगर आपका क्वेश्चन मस्ट से स्टार्ट होता है और इसमें आपका पॉजिटिव आंसर आता है, तो आपको मस्ट का यूज़ करना है, और नेगेटिव में, नॉट में आंसर आता है, तो मस्ट नॉट की जगह आपको नीडंट यूज़ करना है, नीडंट, यू नीडंट। जैसे कि मस्ट आई अटेंडिंग द पार्टी, तो अगर उसमें आप पॉजिटिव में कहो यस यू मस्ट,
और अगर आप नहीं कह रहे ना आपको नहीं जाना चाहिए तो नो यू नीडेंट, यू नीडेंट. तो गाइस होपफुली आपको ये यूज ऑफ मस्ट समझ में आ गया होगा. तो प्लीज़ हमें कमेंट करें आपकी वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.